से है, जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 6:15 हो गया है, मेरा रोज का सुबह का काम हम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए हैं। जो डॉगी बच्चा ठो गिर के उसका पैर टूट के ना रात भर रो रहा था, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जग गए हैं उसको ना। उसका माँ एक जगह में है सब बच्चा लेकर, वो एक जगह हो गया, इसीलिए उसको उसका माँ का पास में कर दिए। काम भी उसी के चक्कर में मेरा काम भी खत्म हो गया है। जा रहे हैं, सब्जी भी कट के रखे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत काटेंगे जा रहे हैं, फिर नाश्ता बनाए। थोड़ा बहुत सब्जी कट के रख दिए थे, लेट होता है, गाजर और बीन्स और मटर छिमी छोड़ा के रख दिए थे, लेट हो रहा होगा बोल के। लहसुन आदि ये सब भी मिर्चा इकट्ठा करके रख दिए। जा रहे हैं, थोड़ा फूल गोभी और आलू प्याज काटेंगे, वो सब खराब हो जाएगा। आलू और प्याज बोल के ले नहीं काटे, ये सब रात को ही काट के रख दिए थे। मिक्स वेज बनाएंगे। तुरंत काट लिए हैं, प्याज भी काट लिए हैं, और ये अदरक और हरा मिर्चा लहसुन अदरक काट के रखे हैं, ये सब रात को काट के रख दिए थे। कढ़ाई भी बैठा दिए हैं, गरम हो गया। अदरक हरा मिर्चा लहसुन जो अदरक कूट के रखे हैं उसको दे देंगे। स्वाद अनुसार और हल्दी दिए हैं, और थोड़ा मीट मसाला का थोड़ा सा दिए हैं। अभी मटर छिमी नहीं देंगे बाद में, और काजू थोड़ा देंगे, और इलायची। हम मूली डाल सकते हैं, कच्चा केला डाल सकते हैं, और बैंगन डाल सकते हैं। शिमला मिर्चा असली चीज़ है, वो नहीं है मेरा पास अभी। शिमला मिर्चा देने से बहुत स्वाद बढ़ जाता है इसका। काजू और इलायची दरदरा कूट रखे थे, दे दिए हैं। नाश्ता बन के तैयार हो गया है, मिक्स वेज और रोटी पराठा। नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करके बर्तन भी धो लिए हैं। लंच के लिए सब्जी कट रहे थे, सब्जी तैयार करेंगे। आलू बैंगन काट लिए हैं, आलू बैंगन टमाटर और उड़द दाल का बड़ी देखिए, मछली देखिए, कढ़ी बनाएंगे। और फूल गोभी का साग और बैंगन देखिए बनाएंगे। सल एक दिन बनाए नहीं, आज बना रहे हैं फूल गोभी का साग को। बैंगन देखे उबाल के लहसुन और सूखा मिर्चा देखे छूप लगाने से बड़ी अच्छा लगता है। Thank you.
तरी बनाए हैं। अब फूलगोभी का साग को बैगन लेके फ्राई करे हैं, लहसुन और सूखा मिर्चा ददरा कूट के उसमें छौंक लगाए हैं और मछली फ्राई। आज का मेनू यही है। चावल चढ़ाए हैं उधर। थोड़ा तबीयत तो ठीक नहीं, इसीलिए लंच करने के बाद आप लोग से लंच भी नहीं दिखाए। जल्दी जल्दी लंच कर लिए और बर्तन भी धो लिए, जाके सो गए थे। अभी जाके थोड़ा देर पहले फिर जो कपड़ा लत्ता धो के सुखाए थे वो सब उठाए। बेटी अभी डिनर के लिए रोटी बना ली, सब्जी नहीं बनाएंगे। सब्जी है दिन का, वही डिनर में करेंगे, दे देंगे। सबको डिनर कर लिया है, डॉगी लोग को भी दे दिए, जा रहे हैं थोड़ा डॉगी का बच्चा लोग कैसा है देखने के लिए। दिन को जा नहीं पाए, काम इतना था, तबीयत तो भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए अभी जा रहे हैं डॉगी का बच्चा लोग को देखने के लिए। अभी खाए सबका थोड़ा जूठा भी खा लेता है, मौसी बहन सबका। देखते हैं जाके डॉगी लोग कैसी हालत में है। एक गोई यहाँ पर है, जंगल में रख दिए हैं। है ना, कितना गो देख रहे, दो दो चार गो है, दो दो चार पांच गो नहीं चार गो है। इसको यहाँ पर रख दिए, यही छत का ऊपर बच्चा दिया था, पता नहीं कहाँ पर। और दो गो बच्चा यहाँ, चार गो दिख रहे हैं, चार गो ना पांच गो समझ में नहीं आ रहा। और बाकी यहाँ पर एक गो है मौसी और भतीजी, नहीं भतीजी नहीं, बहन जी, बहन जी का बेटी है। ये देखिए वहाँ पर, ये देखिए एक गो है, इसका आठ गो बच्चा कहाँ गया रे बाबा। आठ गो बच्चा से कहीं है होगा इधर उधर। तर बाकी बच्चा सब पता नहीं, इसका बाकी बच्चा कहाँ गया सब। नहीं अंदर में तो कुछ भी नहीं है, इसका बच्चा लोग पता नहीं कहाँ गया। इतना बच्चा, आठ वो बच्चा है, देख रहे हैं सिर्फ चार वो बच्चा है, कहीं इधर उधर भागने गया। डिनर हो गया, बर्तन भी धो लिए हैं, डॉगी लोग को भी खाना दे दिए हैं, थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।